वंदना और कुणाल, आपकी कहानी भी हमें पहनाती है एंटरटेनमेंट का हार। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये कहानी। वेल, इस कहानी के लेखक को पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं इस कहानी में कि हम सब इस कहानी से बंधे जा रहे हैं। लेकर चलते हैं आपको फटाफट बातें कुछ अनकही सी के सेट पर। दिवाली के त्योहार में हुआ ट्विस्ट का धमाका। सोनिया ने शुरू किया नया तमाशा कि तुम्हारा और वंदना का अफेयर चल रहा है। उठे कुणाल और वंदना के रिश्ते पर सवाल। जब भी मुंह खोलता बकवास करते हो, बकते हो। स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार, और देखिए कैसे इस त्योहार के मौके पर ट्विस्ट ने दे दी है दस्तक। भाई पहले तो पटाखे से जलते जलते बची तारा, और उसके बाद शुरू किया कुणाल की एक्स वाइफ सोनिया ने नया ड्रामा। भाई कहीं ना कहीं सोनिया को लग रहा है कि उसकी बेटी तारा उससे दूर जा रही है और वंदना के करीब। ऐसे में उसका गुस्सा फूट गया, और देखिए कैसे वो कुणाल और वंदना दोनों को ही खरी खोटी सुना रही है। ऐसे में सोनिया और कुणाल के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का दे ताकि वो अपनी मां तक के पास ना आए, और उससे ज्यादा सगी उसकी ये बंदूक भी नहीं हो गई है। मेरे सामने तो बड़ा मेरी पी है, मेरी पी करते रहते हो तुम दोनों मिलके। देख अब मेरा कुछ मत करो, बात करनी मुझसे करो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जो प्रॉब्लम है मुझसे है ना, करो बात मुझसे, सारे सवालों का जवाब दूंगा। भाई बात इतनी आगे बढ़ गई कि सोनिया ने सबके सामने लगा दिया कुणाल और वंदना पर इल्जाम कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद कुणाल और वंदना दोनों ही भड़क उठे कि तुम्हारा और वंदना का अफेयर चल रहा है। ये वंदना ने अपनी शादी को क्योंकि वो तुमसे जुड़ना चाहती थी, और सारा का सारा एकदम मैं पर और बुरा डाल के डाल दिया है ना। एक काम सोती यदि ये लाइन का बंगाली में बोलते तो भी मैं समझ जाता कि आप क्या बोल रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये बोल रहा हूं एकदम करेक्ट बोल रही हूं। मुझे लगा था कि तुम्हें जिंदगी भर मेरे अलावा किसी और प्यार नहीं करने के, तुम्हें तो हो गया प्यार ना, तुम्हें पसंद ना से प्यार हो गया। जस्ट स्टॉप। देखिए आप मुझे बोल रहे हैं प्लीज आप मेरी बेटी को इस सबसे दूरी रखिए। सुनिए जी सीन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी ड्रामा है और काफ़ी सारी एनर्जी है, जो हर एक कैरेक्टर की एनर्जी ऐसे खुल खुल के बाहर दिवाली की तरह फट रही है। सो इट्स अ गुड सीन। सोनिया को ये मिसअंडरस्टैंडिंग और शक तो था ही कि कुणाल और वंदना का अफेयर चल रहा है, और ये मौका मिला उसे तो उसका वो फ्रस्ट्रेशन, वो जेलेसी, वो सब एक साथ फट के बाहर आया कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है, आप घर वाले शादी तय कर रहे हैं, तो मतलब व्हाट इज़ दिस दोगलापन कि मेरे सामने एक्सेप्ट नहीं करना है और पीठ पीछे शादी करने वाले हो। तो सोनिया का वही टेक था और वही सब कुछ पूछ रही थी और उस बात पे झगड़ा किया। भाई तमाशा यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सोनिया की चाल कामयाब जो हो गई, क्योंकि अब कुणाल और वंदना लड़ने लगे, और ऐसे में कुणाल ने कर लिया है फैसला कि वो वंदना को अपनी और तारा की जिंदगी से दूर रखेगा। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी फेल कर देता हूँ, कोई गलत नहीं कर रहे, ना मुझे तुम में ना मुझे शादी करने में इंटरेस्ट है, समझी तुम? You know, it's like misunderstandings, yeah. सोनिया कुछ और समझ रही है, मैं कुछ और समझ रहा हूँ, सोनिया को कुछ और लगता है मेरे और वंदना के लिए, मुझे कुछ और लगता है वंदना और अपने लिए, और वंदना को कुछ और लगता है। तो इट्स अ सीन, इट्स अ वेरी वेल रिटन सीन, इट्स अ, और क्योंकि ये सीन पूरा एक एपिसोड का है, और पूरा एपिसोड है, पूरा एक सीन, बहुत बड़ा सीन है एक्चुअली, 18 मिनट का सीन है, एंड इट हैज़ अ ग्रेट ग्राफ जहाँ पे यू नो पहले कुणाल इज सपोर्टिंग वंदना, और कैसे टुवर्ड्स एंड ऑफ द सीन वो दोनों एंटी हो जाते हैं एक दूसरे के। सो इट्स अ ग्रेट सीन, नाइस सीन। अब उसके बीच में क्या क्या होता है वो यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई कुछ कहता है, कुणाल
कुणाल के अपने कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वो बहुत डाउट करता है लोगों पे, तो वो उसका इशू है। इसलिए ज़रा सा भी कोई ज़रा सा डाउट पैदा होता है उसके माइंड में, तो वो फट से उस पर रिएक्ट कर जाता है, और यू नो वो सोचता भी नहीं है फिर, क्योंकि ही हैज़ दिस फियर कि उसको कोई हर्ट ना करे लाइफ में, और यू नो तो उसको डर लगता है कि किसी से भी रिलेशनशिप या अटैच होने में उसको डर लगता है, तो उसको लगता है वंदना से अटैच हो रहा है कहीं पे, तो वो अपने आप को पीछे खींच लेता है, फिर लगता है ये मेरा यू नो ये फ़ायदा उठा रहा है, ही इज़ गोना यूज़ या लाइक वंदना इज़ गोना यूज़ मी, तो फिर उसको डर लग जाता है, देन वो सबको कट ऑफ कर देता है अपनी लाइफ से। तो आई थिंक बहुत लोग होते हैं ऐसे ऐसे दुनिया में, बहुत लोग हैं और जिनको मैं जानता भी हूँ, और कुणाल भी वैसा ही है। तो कुणाल को बस वो एक फियर जब पैदा हो जाता है और एक डाउट आ जाता है, तो फिर वो किसी की नहीं सुनता, मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करे वो देता ही नहीं है किसी को, वो टिकट नहीं देता है वो किसी को कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ और इंटरफेयर करो, वो बहुत मुश्किल से होगा। अब वो कैसे होगा, अब आगे जाके जब लव स्टोरी शुरू होगी, शुरू हो रही है, तो कैसे ही विल लेट वंदना एंटर हिज लाइफ, यू नो वो आसान नहीं है कुणाल के लिए किसी को भी अपनी ज़िंदगी में एक टिकट देना कि तुम आ सकती हो, गेट पास नहीं देता किसी को भी, सबको बाहर ही खड़ा करके रखता है। तो इट्स गोना टेक सम टाइम, बट या इट विल हैपन, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग दे डोंट फॉल इन लव, दे डू फॉल इन लव। सोनिया मिलना चाहती है तारा से, वो अलग नहीं रहना चाहती, एट द सेम टाइम वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहती। तो ये जो बीच का रास्ता है कि कुणाल के साथ भी रहे, मैं भी मिलती रहूं, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो होने वाला है और ज़्यादा। तो भाई फिलहाल तो कुणाल और वंदना के बीच दरार पड़ गई है, अब देखना होगा कि इनकी लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है और कैसे बात शादी तक पहुंचती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो रोजाना पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट का हार, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।